तो गाइस मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो रेसल इन द फैक्ट्स। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस क्या जेकब पार्टू एंड रोमन रेंस एक साथ आ चुके हैं क्या भाई? जेकब पार्टू काफी जल्दी हमें बिट्रे करते हुए नजर आएंगे सोलो सिकोवा को एंड वो ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे रोमन रेंस को, क्योंकि भाई काफी बड़ा टीज निकल के आया सामने की भाई जेकब पार्टू एंड रोमन रेंस साथ में है। एंड ये भाई हमें रोमन रेंस का मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है, जो कि भाई जेकब पार्टू काफी जल्दी बिट्रे करते हुए नजर आएंगे सोलो सिकोवा को। तो क्या कुछ अपडेट है एंड भाई क्या कुछ टीज है, सब कुछ इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग इस वाली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। बट जिस किसी ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी WCW अपडेट के लिए। बाकी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइस होता कुछ ऐसा है कि रेसलमेनिया 40 में जो हमें रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला था, उस मैच की भाई WWE ने मतलब कि रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ की भाई सारी मतलब कि सुपरस्टार की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। तो उसी में भाई हमें रोमन रेंस की एंट्री से पहले रोमन रेंस भाई बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जहाँ की भाई रोमन रेंस अपनी एंट्री लेने जा ही रहे होते हैं मैच से पहले। तो हमें क्या देखने को मिलता है भाई, जेकब पार्टू रोमन रेंस के पीछे चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग भाई इस वाली फोटो में देख सकते हैं। तो इस फोटो को देख के भाई काफ़ी ज़्यादा फैंस स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि भाई जेकब पार्टू काफ़ी जल्दी बिट्रे करते हुए नजर आएंगे सोलो सिकोवा को। एंड एक चीज़ भाई आप सभी ने और नोटिस की होगी, भाई जब भी भाई जेकब पार्टू सोलो सिकोवा के संग होते हैं तो भाई जेकब पार्टू भाई सोलो सिकोवा को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। मैं आप सभी को एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे कि भाई आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं, भाई काफ़ी फनी लग रहा है, बट यहाँ पर गुस्से से देख रहे हैं यहाँ पे जेकब पार्टू सोलो सिकोवा को। तो हाँ देखो भाई ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि जेकब पार्टू बिट्रे नहीं कर सकते सोलो सिकोवा को। तो इन सारी चीज़ों को देख के तो यही लगता है कि भाई जेकब पार्टू भाई कुछ ही और माइंड सेट से ही हैं, कभी ना कभी वह बिट्रे करते हुए नजर आएंगे सोलो सिकोवा को। अब देखो भाई वो जल्दी तो नहीं होने वाला, क्योंकि भाई अभी रोमन रेंस का मतलब कि वॉर गेम्स मैच है एंड सोलो सिकोवा के संग भी एक सिंगल्स मैच होना है रोमन रेंस का, एंड फिर उसके बाद जेकब पार्टू एंड रोमन रेंस का भी मैच होना है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है इनका मतलब कि बिट्रे करने में सोलो सिकोवा को। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका बिट्रे अभी तो नहीं हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि अगले साल ही देखने को मिलेगा 2025 में। अब कब देखने को मिलेगा वो तो भाई हमें देखना रहेगा कि WWE कब कुछ करवाती नजर आएगी इनका बिट्रे सोलो सिकोवा पे। तो अब आपको क्या लगता है कि भाई सोलो सिकोवा के ऊपर कब तक बिट्रे हमें देखने को मिलेगा जेकब पार्टू का, कमेंट करके बता सकते हो। और आपको क्या लगता है कि भाई जेकब पार्टू एंड रोमन रेंस साथ में आएंगे, क्या रोमन रेंस का मास्टर प्लान है, कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही WCW अपडेट के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।